हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रीम ट्रैप चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग, आशा करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको देने वाला हूँ जन्माष्टमी की प्रो स्क्रिप्ट। तो हमेशा की तरह मैं आपको इसका सबसे पहले दिखा देता हूँ डेमो। तो डेमो हम देख लेते हैं इसका, तो कैसी है ये दिखती है। तो ये स्क्रिप्ट ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पे आपको एक बारी आपका फिंगर है जो स्कैन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं अपना फिंगर रख देता हूँ। तो ये मैंने फिंगर रख के इसको ओपन कर लिया है। तो आप देख सकते हो ये स्क्रिप्ट है जो वो ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पे आपको 3 एड्स देखने को मिल जाएंगी, और इसके अलावा एक यूट्यूब की वीडियो है। और इसके अलावा नीचे जब आप आओगे तो आपको 2 शेयर के बटन मिलेंगे व्हाट्सएप और फेसबुक का। तो इस स्क्रिप्ट का लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसे आपने कैसे बनाना है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे ही आप मेरे ब्लॉग में आएंगे, तो ये वाले ब्लॉग में अब आप नीचे जाएंगे तो आपको एक डाउनलोड का बटन मिलेगा। तो मैंने इसे पहले ही डाउनलोड करके रख लिया है। तो मैंने यहाँ से पहले इसे डाउनलोड करके रख लिया। आप देख सकते हो ये है मेरा वो डाउनलोड का स्क्रिप्ट। तो इसे मैं ओपन कर लेता हूँ एडिटर में। तो मैंने पहले से कोड एडिटर भी ओपन कर रखा है। तो यहाँ से आप कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हो, नोट प्लस प्लस भी यूज़ कर सकते हो अगर आप कंप्यूटर में यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ से मैं हैप्पी जन्माष्टमी प्रो स्क्रिप्ट है जो इसे ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे इसमें आपने क्या क्या चेंजेस करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इससे पहले आपने एक ब्लॉग क्रिएट कर लेना है। ब्लॉग कैसे क्रिएट करना है अगर आपको नहीं आता तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो नीचे वीडियो के, तो मैं आपको ब्लॉग क्रिएट करना भी सिखा दूंगा। जिन लोगों को ब्लॉग क्रिएट करना आता है वो ब्लॉग क्रिएट करना इजीली है, सिर्फ आपने गूगल से लॉगिन करना है तो आपका ब्लॉग क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ से आपने क्या करना है, न्यू ब्लॉग बना लेना है। तो यहाँ से न्यू ब्लॉग पे बटन पे क्लिक करके आपने न्यू ब्लॉग बनाना है। यहाँ पे आप टाइटल दे सकते हो कुछ भी। तो इसके बाद आपने नेक्स्ट यहाँ पे आप यूआरएल रखेंगे। इसके बाद आपने सेव के बटन पे क्लिक करना। तो मैंने पहले से ये सब कर रखा है। तो यहाँ पे मैंने न्यू हैप्पी जन्माष्टमी टाइटल दे दिया था और इसका यूआरएल क्रिएट कर दिया था। तो इसके बाद आपने आना थीम वाले सेक्शन में। थीम वाले सेक्शन में आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। अगर आपने अभी तक मेरी मैं अपने YouTube के स्टूडियो में आ गया हूँ। तो वो जो मैं कह रहा था, जो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि कैसे आपने ब्लॉग क्रिएट करना है और उसमें कैसे आपने थीम को एडिट करना है, तो यहाँ ये वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए मेरे वीडियो वाले सेक्शन में जाके। तो इसमें मैंने सारा कुछ डिटेल में बता रखा है आपको। इसमें भी मैंने एक जन्माष्टमी की प्रो स्क्रिप्ट दे रखी है। तो मैं अभी बता देता हूँ कि यहाँ से आपने जो जो सेटिंग करनी है वो उस वाली वीडियो में से देख लेना। तो अभी मैंने सीधा यहाँ पे ओपन किया हुआ है। तो यहाँ से आपने एक तो चेंज नंबर को ऑफ कर लेना है, वो मैंने उस वाली वीडियो में भी बताया था। और यहाँ से आपने एडिट HTML में आके ये जो कोड है इसको सबसे पहले आपने एडिटर में एडिट करना है। क्या क्या एडिट करना है वो अभी मैं बता देता हूँ आपको। एक तो आपने जो ब्लॉग क्रिएट किया है उसका यूआरएल डालना है, वो कहाँ कहाँ डालना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपने सबसे पहला जो यूआरएल डालना है वो डालना है यहाँ पे happyjanmashtami.blogspot.com। तो जहाँ कहीं भी आपको .blogspot.com मिलेगा तो वहाँ पर आपने अपना यूआरएल डाल देना है। एक 3 जगह आपने यूआरएल डालना है। एक तो ये हो गया, ठीक है दोस्तों, एक ये यूआरएल हो गया। और इसके बाद मैं आपको सबसे नीचे जाना है, आपने सबसे नीचे, और इसके बाद हम थोड़ा धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको व्हाट्सएप ढूंढना पड़ेगा। यहाँ से आपको व्हाट्सएप मिल जाएगा। तो ये रहा सबसे पहले, ये फेसबुक मिल गया आपको। फेसबुक के ऊपर आपको ये मिल गया happyjanmashtami.blogspot.com, ठीक है दोस्तों। इसके ऊपर आपको व्हाट्सएप मिल जाएगा। तो ये व्हाट्सएप वाला है, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये व्हाट्सएप लिखा हुआ है। तो यहाँ पे happyjanmashtami.blogspot। तो ये 3 URL आपने चेंज करने हैं। और एड्स कहाँ कहाँ लगानी है आपने यहाँ से सर्च कर के बता देता हूँ आपको। यहाँ पर आपने सर्च करना ए एड्स, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं ये एड्स यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा, तो एक बार मैं सिर्फ एड्स डाल के दिखा देता हूँ। एड्स की जगह हम डाल देते हैं एड्स। तो भी सर्च करते हैं हम,
तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने जब एड्स डाला तो ये दिख गया एड्स। तो सेंटर से लेके आपने सेंटर तक कट कर देना है। तो यहाँ तक मतलब आई फ्रेम से जो शुरू हो रहा है तो आई फ्रेम से ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ तक एक एड्स आ जाएगी आपकी, इसके आगे दूसरी एड्स। तो यहाँ से एक दूसरी एड आई फ्रेम से लेके आई फ्रेम तो कट करके आपने अपनी एड्स लगा लेना। तो ऐसे आपने कट कर देना है, मैं आपको कट करके दिखा देता हूँ एक बारी। तो यहाँ से आपने यहाँ से यहाँ तक कट कर देना है, यहाँ से आई फ्रेम से लेके आई फ्रेम तक। तो मैंने इसे कट कर दिया और यहाँ पे आपने अपनी एड्स को पेस्ट कर देना। आप किसी भी एड्स नेटवर्क का यूज़ कर सकते हैं, तो मैं तो सिर्फ ए एड्स का यूज़ करता हूँ क्योंकि मेरी अच्छी इनकम हो जाती है यहाँ से। तो मैंने इसे कट कर दिया और इसके बाद आपने यहाँ पे अपना एड्स लगा देना। तो एक मैं और दिखा देता हूँ, इसके नीचे आपको एक और एड्स का मिलेगा, तो ये है वो तीसरे वाला। तो इसे जब आप एडिट कर लेंगे, अपने एड्स लगा लेंगे और अपना यूआरएल चेंज कर लेंगे, तो इसे आपने सेव कर देना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप सेव कर सकते हो, जहाँ सेव चाहे आप ना भी करो, इसको आपने सिलेक्ट ऑल कर लिया और यहाँ से कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद आपने अपने वापस ब्लॉग में आ जाना है। तो यहाँ पे ब्लॉग में आने के बाद आपने अगर यहाँ पे कुछ होगा तो आपने उसे सबको हटा देना और यहाँ पे जो कोड कॉपी किया है उसे पेस्ट कर देना है। तो आपकी स्क्रिप्ट हो जाएगी रेडी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।